अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बीएससी की बुक मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर है 8, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन्फिनिट सीरीज के नाम से, और उसकी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 8.1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है 11। नाइन स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एन, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसे ए एन के इक्वल, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो दी वी टर्म है ये सीक्वेंस की एंथ टर्म है, और एंथ टर्म को हमेशा हम ए एन के इक्वल कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, ठीक है, हमें ये चीज पता है कि ये जो इसका ऊपर न्यूमिनेटर का हिस्सा है ना साइन स्क्वायर एन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है जबकि लेस देन इक्वल टू वन होता है, ठीक है। हमने ये चीज फर्स्ट ईयर में सैंडविच थ्योरम में भी पढ़ी थी कि हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर एन है इस तरह से लिखा जाता है। अब हमें हमारे पास ये चीज किस फॉर्म में है, साइन स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एन, लेकिन यहां पर डिवाइडेड बाय एन नहीं है, तो प्रॉपर ये एंथ टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन तीनों को एन से डिवाइड करवा दूंगी। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा डिवाइडिंग बाय एन, अब यहां पर हम जीरो को भी एन से डिवाइड करवा देंगे, इसी तरह से इस साइन स्क्वायर एन को भी एन से डिवाइड करवा देंगे और वन को भी एन से डिवाइड करवा देंगे। अब देखिए इस एंथ टर्म की इस एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने इस एंथ टर्म की लिमिट लेनी होती है, ठीक है। तो हम यहां पर जो है ना लिख लेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, और लिमिट हमारे पास लिमिट में एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है। मैं क्या करूंगी कि मैं इन तीनों पर लिमिट अप्लाई कर लूंगी, लिमिट अप्लाई करूंगी कि एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, जीरो एन से डिवाइड होगा जीरो ही आ जाएगा, इसी तरह से मिड टर्म पर भी लिमिट अप्लाई कर दूंगी, लिमिट सेम ही अप्लाई करनी है आपने तीनों पर। अब क्या है साइन स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एन, इसी तरह मैं इस वन डिवाइडेड बाय एन पर भी लिमिट को अप्लाई कर दूंगी। यहां पर देखें जब हम जीरो पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो के साथ कोई एन वगैरह तो है नहीं। अब यहां पर ये जो लिमिट है इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है, जब तक कि हम इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है, इसे अभी इसी तरह से लिख लेंगे। और यहां पर भी देखें कि अगर 1 बाय एन है तो जब हम इस एन में इस लिमिट के मुताबिक इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा जीरो के इक्वल होती है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसकी जगह आंसर में जीरो लिख देंगे। यहां पे चूंकि हमारे पास दोनों साइड्स पर जीरो है तो इसे बाय सैंडविच थ्योरम हम किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे लिमिट एन डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को हम बाय सैंडविच थ्योरम इक्वल लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास यहां पर ग्रेटर देन इक्वल है जीरो से और लेस देन इक्वल है जीरो से, यानी कि यहां पे ये जो इक्वल के साइन है ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हमने इस तरह से इसे जीरो के इक्वल लिख लिया। इस स्टेप में ये जो साइन स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एन है इसे स्टार्ट में हमने किसके इक्वल लेट किया था, ए एन के, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल थी, ए एन इज इक्वल्स टू जीरो, और हमने लिमिट फाइंड करनी होती है इसी एंथ वैल्यू की। अब हमारे पास एंथ वैल्यू की जो लिमिट है वो क्या आई है, जीरो। जीरो चूंकि एक डेफिनेट नंबर होता है इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस की टर्म है ये क्या है, कन्वर्जेस है, और हम इसकी अगर लिमिट बताएं तो इट्स लिमिट इज जीरो। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन में क्या है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे nth टर्म के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि ये जो गिवन टर्म है ना ये सीक्वेंस की nth टर्म है, तो हम इसे इस तरह से शो भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे,
अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही। तो देखें यहाँ पर भी ऊपर n है, इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे भी n है तो इन्फिनिटी अप्लाई करने से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि 2n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो एंड पर हमें n फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो हम इसे एक्सपैंड करते हैं। ये एक्सपैंड करेंगे 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड सो ऑन चलता जाए, तो लास्ट में हमारे पास आता है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो डिवाइड में हमारे पास यहां पर देखें क्या है, n फैक्टोरियल की स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये जो n फैक्टोरियल है इसे हम काट सकते हैं, यहाँ पर नीचे दो थे तो एक से काट दिया, एक बच जाएगा। अगर देखिए तो ऊपर भी n है और नीचे भी n है, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2n है, उसमें भी 2 है, इस टर्म में भी n के साथ 2 है, इस टर्म में भी n के साथ 2 है। अगर मैं इन सभी टर्म्स में से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। देखें जब मैंने इस वैल्यू में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे n के साथ तो 2 था, 1 के साथ 2 नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 के साथ 2 को डिवाइड करवा दिया। क्योंकि जब भी हम ऐसी टर्म में से कॉमन लेते हैं जिसमें एक वैल्यू के पास तो वो चीज हो और दूसरी के पास वो चीज ना हो, तो फिर हम जब कॉमन लेते हैं तो उस सूरत में जहां पर 2 नहीं था तो वहां पर हम 2 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां पर 2 कॉमन था, अगर मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास बन जाएगा n प्लस 1। अब एक 2 मैंने इस टर्म से लिया, एक 2 मैंने इस टर्म से लिया, एक इस टर्म से लिया, और सोन आगे भी टर्म्स हैं जिनसे 2 निकले, तो ये कितने 2 बन जाते हैं ये एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम इसे लिख देंगे 2 की पावर n, और नीचे था मेरे पास n फैक्टोरियल। ये वैल्यू देखिए, ये क्या है, n, n माइनस 1 बाय 2, n माइनस 1 है, फिर आगे ये चलती जाएगी n माइनस 2 है, सो ऑन। अगर हम इसे देखें तो ये 3, 2 और 1 पर जाकर खत्म होती है। तो ये जो सारी चीज है ये हमारे पास इक्वल होती है n फैक्टोरियल के, इस तरह की सीरीज जो है ना वो n फैक्टोरियल की इक्वल होती है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर n। अब देखें ये जो 2 की पावर n बचा था इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो n अप्रोचेस है इन्फिनिटी के, मतलब कि 2 की पावर n की जगह आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब है कि आंसर आएगा इन्फिनिटी। क्योंकि 2 की पावर अगर स्क्वायर लें तो 4 आता है, अगर क्यूब लें तो 8 आता है, यानी कि ये बढ़ती जाएगी, और अगर इन्फिनिटी लें तो फिर तो ये कोई इन्फिनिट नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी आएगा। अब इन्फिनिटी चूंकि कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 2 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस एन स्क्वायर की होल्स एन। सबसे पहले हम इस एन टर्म को इक्वल लिखेंगे ए एन के, क्योंकि ए एन शो करता है कि ये सीक्वेंस की एंथ टर्म है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने के बाद थर्ड चीज जो हमने देखनी होती है वो ये होती है कि कहीं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही। देखें यहाँ पे एन स्क्वायर, अगर यहाँ इन्फिनिटी अप्लाई करूं तो सारी इन्फिनिटी हो जाएगी, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी अप्लाई करने से इन्फिनिटी हो जाएगी। अब जब इस तरह से हमारे पास एन बाय एन हो तो हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अवॉइड करने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों में एन स्क्वायर से डिवाइड करवा सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ ऊपर और नीचे सारी टर्म्स को एन स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया है. अब मेरे पास क्या आएगा, अब देखिए 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा. नीचे देखिए 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा और पावर में है n. अब देखिए अब हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही. वो किस तरह से नहीं बन रही मैं आपको दिखाती हूँ. अगर यहाँ पे मैं एन में लिमिट अप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस 1, डिवाइड में है 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 1. अगर डिवाइड में इन्फिनिटी मौजूद हो तो वो टर्म इक्वल टू जीरो होती है. यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो जगह माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे. डिवाइड में अगेन 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है तो ये टर्म हमारे पास इक्वल होगी जीरो के और साथ में है प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, पावर में इन्फिनिटी है. देखें माइनस 1 को 1 से डिवाइड करें तो माइनस 1 आएगा. ये जो 1 है 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर जितनी भी बड़ी ले ले आपके पास आंसर में 1 ही आता है. लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरी जो वैल्यू है वो है माइनस 1. अब माइनस 1 का प्रॉब्लम ये है कि अगर माइनस 1 की सूरत में हमारे पास पावर में इवन नंबर हो तो आंसर 1 आता है, लेकिन अगर पावर में ओड नंबर हो तो माइनस 1 आंसर आता है. अब इन्फिनिटी है, हम नहीं कह सकते कि ये इवन नंबर है. अब इन्फिनिटी में इवन भी होता है और ओड नंबर्स भी होते हैं तो हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर है, तो हम लिखेंगे इसको प्लस माइनस 1, यानी कि दोनों ऑप्शंस हम लिख देंगे प्लस 1 भी और माइनस 1 भी. अब देखिए यहाँ पर ये जो लिमिट ऑफ nth टर्म है उसका आंसर आ रहा है प्लस माइनस 1. 1 एक डेफिनेट नंबर तो है, लेकिन हमारे पास इसके साथ साथ एक और चीज भी होनी चाहिए कि जो आने वाला आंसर है ना वो यूनिक भी होना चाहिए. यूनिक का मतलब ये है कि एक ही नंबर आना चाहिए, जैसे कि या तो 1 आ जाता है या फिर माइनस 1 आ जाता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो इस सूरत में हमारा आंसर यूनिक नहीं है. और जब हमारा आंसर यूनिक नहीं होगा तो ये डाइवर्जेंट कंसिडर होगा. क्वेश्चन नंबर 14 है लॉग एन की स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है हमारी जो गिवन टर्म है उसे ए एन के, और ए एन हमेशा शो करता है कि जिस भी टर्म के ये इक्वल है वो एंथ टर्म है, ठीक है. सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने लिमिट ऑफ ए एन फाइंड करनी है. इस वजह से हम दोनों तरफ जो है ना वो लिमिट को अप्लाई कर देंगे और लिमिट भी हमारी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है. अब लिमिट अप्लाई करने के बाद जो थर्ड चीज आपने देखनी है ना वो ये है कि इस पॉइंट पर जहां पर आप लिमिट अप्लाई करें, अगर हम इस लिमिट को इस वैल्यू पर अप्लाई भी कर दें, पुट भी कर दें इसमें, तो कहीं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही. यहाँ पर देखें एन ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ पर इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे भी एन है तो इन्फिनिटी बन जाएगा. यानी कि हम यहां पर लिखेंगे कि क्या बन रहा है जी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, जिससे हमने जरा बचना होता है, ठीक है. हमने यहां पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनने देनी. उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन में रूल अप्लाई करते हैं जिसका नाम है लॉपिटल रूल, ठीक है. लॉपिटल रूल के तहत हमने क्या करना है कि यहां पर इस लॉपिटल रूल के तहत हमने क्या करना है कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर है इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एन, क्योंकि एन ही हमारा यहां पर वेरिएबल है. अब देखिए यहां पर अगर मैं लॉग एन की स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करती हूं तो यहां पर पावर रूल अप्लाई होगा. पावर रूल में क्या होता है कि पावर को हम टर्म से पहले लिखते हैं, देन हमने उसकी पावर में से एक माइनस करना होता है, तो 2 में से अगर 1 माइनस कर देती हूं तो मेरे पास लॉग एन बचेगा. देन हमने इस बेस की भी डिफ्रेंसिएशन करनी होती है. अब लॉग एन की जो डिफ्रेंसिएशन है ना वो होती है 1 ओवर एन, ठीक है जी. तो यहां पर लॉग एन 1 ओवर एन आ जाएगा.
डिवाइड में हमारे पास ओनली एन है तो एन की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एन वन होगी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे. यहां पर ऊपर देखें नीचे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वन होता है ना तो वो किसी भी चीज को वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वही चीज आती है. तो हम इसे लिख देंगे टू लॉग एन डिवाइडेड बाय एन. ठीक है जी, अब यहां पर अगर इस पॉइंट पर भी मैं यहां लिमिट अप्लाई कर दूं इस पर तो देखिए ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगेन हमारे पास जो है ना वो बन जाएगी जिससे हमने अवॉइड करना होता है. तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, अगेन ऊपर और नीचे की डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो हम जो है ना यहां पर अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जी. टू है टू वैसे ही आ जाएगा, लॉग एन की डिफ्रेंसिएशन जैसे मैंने आपको बताया वन ओवर एन होती है तो वन ओवर एन आ जाएगा. डिवाइड में एन है तो एन की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एन हमेशा वन आएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. यहां पर देखिए टू मल्टीप्लाई हो रहा है वन डिवाइडेड बाय एन से, इनके टू वन से टू हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास एन आ जाएगा. अब ये सारी टर्म वन से डिवाइड हो रही है तो वन से डिवाइड कर भी लें तो वही चीज आएगी. ठीक है, तो ये बन गया टू डिवाइडेड बाय एन. अब इस पॉइंट पर अगर मैं लिमिट को अप्लाई करके देखूं या इमेजिन करूं तो देखें ऊपर एन नहीं है इसलिए ऊपर तो इन्फिनिटी नहीं बनेगी. नीचे डिनोमिनेटर में एन है तो नीचे इन्फिनिटी बनेगी. अगर नीचे यहां पर हमारे पास इन्फिनिटी आ भी जाए तो हमारा आंसर कम अज कम इन्फिनिटी में नहीं आएगा. तो हम इसे जो है ना यहां पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे टू डिवाइडेड बाय लिमिट अप्लाई करेंगे तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा. और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो आप उस वैल्यू को इक्वल कहेंगे जीरो के. ठीक है, तो जीरो यहां पर हमारे पास चूंकि एक डेफिनेट नंबर है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है ना वो है कन्वर्जेंस. और उसकी अगर लिमिट की बात करें तो वो है हमारे पास जीरो. क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट क्या करते हैं कि ये जो गिवन टर्म है हमारे पास वो किसके इक्वल है, ए एन के. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस जो ये हमने लेट किया है ए एन के इक्वल इस क्वेश्चन को तो हमने इस स्टेप के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी होती है. लिमिट में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा लिमिट अप्लाई करने के बाद. अब हमने क्या देखना है कि अगर तो हम लिमिट अप्लाई करें तो क्या हमारे पास आंसर में इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा. ठीक है, अब इस में अगर मैं यहां पर n पर चूंकि n हमारे पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है इस n पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा. अब इन्फिनिटी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगी, अंदर भी इन्फिनिटी ही बनेगा तो इन्फिनिटी किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर आंसर एट द एंड मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है. अब मैंने यहां पर इन्फिनिटी को जो है ना अवॉइड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इसमें जो है इसे सॉल्व करूंगी और इसमें चेंजिंग लेकर आऊंगी. अब ये जो टर्म है इसमें से इन्फिनिटी को अवॉइड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लूंगी. और रैशनलाइजेशन का क्या रूल होता है कि जिस भी चीज को आप रैशनलाइज करने वाले हैं उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना होता है. लेकिन वहां पर जो साइन आपके पास होता है ना उसको ऑपोजिट यूज करना है. लाइक यहां पर मैं अगर रैशनलाइज करती हूं मेरे पास ये टर्म है इस चीज को अगर मैं रैशनलाइज करती हूँ स्केयर रूट एन प्लस वन माइनस स्केयर रूट एन को. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी स्केयर रूट एन प्लस वन. अब यहां पर मेरे पास माइनस था तो मैं रैशनलाइजेशन वाली टर्म में प्लस यूज कर लूंगी. अब इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से मुझे डिवाइड भी करना है इस तरह से. अब हम यहां पर ये स्केयर रूट एन इसी तरह से लिख लेंगे. ये देखें ये वाली जो टर्म है ये माइनस में है और ये वाली टर्म प्लस में है. एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे. तो ए की स्केयर ले लेंगे इस तरह से माइनस बी की स्केयर ले लेंगे और नीचे की टर्म हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी. यहां पर देखिए अब ये जो स्केयर है ना ये स्केयर इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगी.
ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एन प्लस वन माइनस, यहाँ पे भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास बचेगा एन। नीचे की जो टर्म है वो वैसे ही आ जाएगी, इस स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास न्यूमिनेटर में n पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला n इस पॉजिटिव वाले n से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये 1 बचेगा। अब ये 1 जो है वो इस स्क्वायर रूट n से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट n, और डिवीजन में मेरे पास वही टर्म रहेगी स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। ठीक है, अब अगर आप इस स्टेप में देखें, यहाँ पर अगर हम आकर लिमिट को अप्लाई करें तो देखिए ऊपर n की जगह मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और नीचे भी यहां पर मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि ऊपर नीचे जो है वो इन्फिनिटी खत्म कर सके, और अगर ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो कम अज कम न्यूमिनेटर से इन्फिनिटी को खत्म कर दे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट n को कैंसिल करना पड़ेगा। अब अगर स्केयर रूट एन ऊपर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो उसे कैंसिल करने के लिए हमें डिवाइड में एक स्केयर रूट एन चाहिए। अगर मुझे स्केयर रूट एन डिवाइड में लाना, देखे यहां पर जो स्केयर रूट एन है, अगर यहां पर भी इस टर्म में भी स्केयर रूट एन आ जाए तो मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगी और मेरे पास डिवाइड में भी स्केयर रूट एन आ जाएगा। उसके लिए देखिए मैं क्या करती हूं, यहां पर स्केयर रूट एन बनाने के लिए देखिए मैं यहां से अगर एन कॉमन ले लू, जैसे मेरे पास है स्केयर रूट एन प्लस वन है, तो अगर मैं एन कॉमन ले लू तो मेरे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि दो चीजों में कोई चीज कॉमन नहीं है, जैसे इसके पास फर्स्ट पे एन है, वन में एन नहीं है, वन के साथ एन नहीं है, तो अब अगर मैं कॉमन लूंगी, यहां से मैं एन को कॉमन लेती हूं तो मुझे यहां पर डिवाइड करवाना पड़ेगा एन के साथ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां से n कॉमन लिया है, यहां पे तो कॉमन बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा, और यहां पे 1 था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय n बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस टर्म में ये जो n है ना स्केयर रूट n है, अब ये देखिए ये n इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास स्केयर रूट की प्रॉपर्टीज है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, स्केयर रूट एन और स्केयर रूट वन प्लस वन ओवर एन, इस तरह मैं इसको सेपरेट करके लिख सकती हूं क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब अगर आप देखें तो यहां पर इस टर्म में भी मेरे पास स्केयर रूट एन है और यहां पे भी स्केयर रूट एन है, तो मैं इन दोनों में से नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स में से अगर स्केयर रूट एन को कॉमन लेती हूं तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, स्केयर रूट वन प्लस वन ओवर एन, और यहां से तो स्केयर रूट एन बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा। अब यहां पर ये जो ऊपर स्केयर रूट एन था ये नीचे वाले स्केयर रूट एन से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, 1 ओवर स्केयर रूट 1 प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 प्लस 1 ओवर एन था तो मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा। अब हमें पता है कि हमेशा जो 1 ओवर इन्फिनिटी है वो 0 के इक्वल होती है तो ये चीज 0 हो जाएगी प्लस 1। अब मेरे पास स्केयर रूट 1 जो है ना वो 1 के इक्वल होता है, साथ में प्लस 1 है, 1 लिख देंगे। देखें अब 1 ओवर क्या बन जाएगा, 2, और 1 ओवर 2 एक सर्टन नंबर है इसलिए हम कहेंगे कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस, और इसकी जो लिमिट क्या है, लिमिट को हम लिखेंगे इट्स लिमिट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने ये जो गिवन टर्म है सबसे पहले से लेट करना है ए एन के, ए एन शो करता है एंथ टर्म को, इस तरह से हम इस पूरी टर्म को ए एन के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने ये चीज रिक्वायर्ड की है कि इसकी लिमिट बताएं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे
लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो ये है कि क्या लिमिट को अप्लाई करने से ऊपर नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ n पर इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ, 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगी, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। अब इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से अवॉइड करने के लिए, अगर मैं इस 5 की पावर n को यहां से जो है ना अगर मैं यहां पर ये जो 5 की पावर n है इसे खत्म कर दूं तो मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो सकती है। वो किस तरह से, देखिए, इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि ऊपर नीचे सारी टर्म्स को 5 की पावर n से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब डिवाइड करने से क्या होगा कि ये ऊपर 5 की पावर n, नीचे वाली 5 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ साथ हम नेक्स्ट स्टेप में इसे लिख लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद मेरे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो इस टर्म को हम इसी तरह से नोट कर लेंगे एज इट इज। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो यहां पर लिखा था 5 की पावर n प्लस 1, और हमें पता है कि पावर में अगर हमारे पास इस तरह से n प्लस 1 है तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। लाइक मैं 5 की पावर n को सेपरेट लिख दूंगी और ये जो प्लस 1 है उसे 5 की पावर प्लस 1 की शेप में सेपरेट लिख लूंगी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया ताकि मुझे कैंसिल करने में आसानी हो। ऊपर नीचे मैंने 5 की पावर n को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास बचा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्लस। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट टर्म को इसी तरह से एज इट इज लिख लेंगे। अब जो ये स्टेप है इसमें यहां पर आकर अगर मैं लिमिट को अप्लाई करती हूं तो मुझे क्या देखना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर मैं ऊपर इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ और नीचे इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी, अब 5 की पावर n में इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी, इन्फिनिटी बन भी जाएगी तो ये मेरे पास 1 बाय इन्फिनिटी होगी और वो 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर इन्फिनिटी नहीं बनेगी, इस तरह नीचे भी इन्फिनिटी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को खत्म कर देंगे। अब यहां पर मैं लिमिट को अप्लाई कर रही हूं, लिमिट अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 5 की पावर इन्फिनिटी, 5 प्लस माइनस 1। अब माइनस 1 में हमारे पास n प्लस 1 है तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी प्लस 1, डिवाइड में हमारे पास है 5 की पावर n तो 5 की पावर इन्फिनिटी लिख देंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी है तो वो 1 ही आ जाएगा और नीचे 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। इसी तरह नीचे है 5 प्लस, ये भी हमारे पास 1 बाय 5 की पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमें ये चीज पता है कि 1 बाय इन्फिनिटी 0 के इक्वल होती है और नीचे भी हमारे पास 5 प्लस 0 हो जाएगा। अब 1 में 0 ऐड कर ले 1 आ जाएगा, 5 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 बाय 5 चूंकि एक सर्टन नंबर है तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ना वो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंस है। सीक्वेंस तो कन्वर्जेंस है, और अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो इट्स लिमिट इज 1 बाय 5। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है c की पावर n प्लस d की पावर n की होल पावर है 1 ओवर n, और एक साथ उन्होंने कंडीशन दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि d इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसे भी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो जरूरी स्टेप्स हैं वो करने हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं, लेट करेंगे इस क्वेश्चन को किसके इक्वल, nth टर्म के इक्वल, a n के इक्वल, तो इस तरह से हम इसे लेट कर लेंगे। देन हम इस स्टेप के दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई करेंगे इस तरह से, यहां पर भी और राइट साइड पर भी।
इस तरह से। अब हम लिमिट अप्लाई करने के बाद ये चेक करना होता है कि अगर हम इस स्टेप पे इस पॉइंट पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या इन्फिनिटी आंसर तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए सी की पावर इन्फिनिटी है, सी एक नंबर है, ठीक है, और डी की पावर इन्फिनिटी है और उनकी पावर में भी 1/n है, इन्फिनिटी 1/∞ बन जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे मैं इन्फिनिटी अप्लाई करती हूं तो मेरे पास इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से कोई चीज कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज कॉमन ले लें, जैसे मैं कॉमन ले रही हूं यहां पर डी की पावर एन। उसकी मैं वजह आपको बताती हूँ आगे चल के कि मैंने इन दोनों में से इनके सी की पावर भी एन है और डी की पावर भी है तो डी ही क्यों लिया है, ठीक है। अब देखिए कॉमन का रूल है कि अगर दो चीजों में कॉमन मौजूद नहीं है, सेम चीज मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहां से अगर डी की पावर एन कॉमन लूंगी तो मुझे दूसरी वैल्यू के साथ डी की पावर एन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैंने डी की पावर एन को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास अब यहां पे मुझे सी की पावर एन से डी की पावर एन को डिवाइड करवाना पड़ेगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां से मैंने डी की पावर एन को कॉमन लिया है तो कुछ भी नहीं बचेगा, वन आ जाएगा। अब हम यहां पर लिख देंगे पावर में 1/n। देखें अब यहां पर बन गया हमारे पास एक सिचुएशन के सी की पावर एन डिवाइडेड बाय डी की पावर एन। अगर आप देखें तो हमें इस कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, हमें इस कंडीशन में कह रहे हैं कि जो d है ना वो ग्रेटर है c से। देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं एज d इज ग्रेटर देन c, अब मेरे पास क्या है कि c ऊपर है और d नीचे है तो c जो है ना यहीं पे रहेगा, d को मैं यहां अगर डिवाइड करवा दूं दूसरी तरफ तो ये क्या बन जाएगा, अब d वहां जाके डिवाइड होगा तो d की जगह पे 1 रह जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन c डिवाइडेड बाय d, ठीक है, d यहां c के साथ डिवाइड हो गया। अब c डिवाइडेड बाय d जो है ना वो लेस देन 1 है। यहां पर हमारे पास सिर्फ c डिवाइडेड बाय d नहीं है बल्कि c की पावर में भी n है और d की पावर में भी n है, यानी कि इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय n, चूंकि दोनों की पावर में n है तो हम होल पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, जो कि 1 से भी छोटी है, अब 1 से भी छोटी है यानी कि पॉइंट्स में, अब पॉइंट्स में कोई चीज और उसकी पावर आप इन्फिनिटी ले ले तो वो मजीद उसका आंसर जो है ना वो छोटा होता जाएगा। अब इन्फिनिटी लेंगे तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि हम कहेंगे दिस अप्रोचेस टू जीरो, और ये कब होगा, जब हम कहेंगे एज एन अप्रोचेस टू जीरो। जाहिर है ये n जितना बड़ा होता जाएगा हमारा आंसर उतना जीरो के करीब हो जाएगा, ठीक है, और वैसे भी हमारी लिमिट में n अप्रोचेस टू जीरो है तो ये चीज जो है ना हमारे पास कब जीरो को अप्रोच करेगी, जब n अप्रोचेस टू जीरो होगा। अब ये चीज तो हमारी जीरो को अप्रोच करेगी यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गई, तो यहां पर हम जीरो अप्लाई कर देंगे। इस स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि यहां पर देखें ये जो है ना डी की पावर एन पर ये जो पावर है ना 1/n वो इस पर भी है और इस पर भी है, तो इन पर सेपरेट करके लिख देते हैं, और इस तरह से हम इस पर सेपरेट करके पावर को लिख भी सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में दो चीजें हैं तो दोनों पर आप अलग अलग पावर को लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए सी के ऊपर भी एन है, डी के ऊपर भी एन है, दोनों पे है, तो मैं इसको होल की पावर एन भी बनाकर लिख सकती हूँ। इस तरह से मैंने ये 1/n की पावर को दोनों पर अलग से अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा d इन टू इस वैल्यू को एज इट इज हम यहां पर लिख लेंगे c डिवाइडेड बाय d की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। अब इस पॉइंट पर मैं अगर लिमिट अप्लाई करती हूं तो मेरे पास इन्फिनिटी नहीं बनेगा। यहां पर देखिए ये जो d है इसे वैसे ही लिख लूंगी, c डिवाइडेड बाय d की पावर n है। अब जब इस पावर n में मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी तो c डिवाइडेड बाय d की पावर n पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, जीरो को अप्रोच करता है। तो ये जो जितनी वैल्यू है ना ये वाली सारी ये मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो, साथ में है प्लस 1 की पावर 1/n, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगी 1/∞।
जीरो प्लस वन वन बन जाएगा और हमें पता है कि वन बाय इन्फिनिटी हमेशा जीरो होती है। किसी भी चीज की पावर जीरो का आंसर हमेशा वन होता है और डी वन जा डी आएगा। अब यहाँ पे ये जो डी है वो एक सर्टन नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन सीक्वेंस है ना वो कन्वर्ज कर रहा है। और अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो इट्स लिमिट इज डी। 18 5 की पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की होल स्क्वायर। इस टर्म को a n के इक्वल लेट कर लेंगे और a n शो करता है nth टर्म को। फिर हमने क्या करना है कि दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई कर देना है। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट है इस तरफ भी जो नेक्स्ट स्टेप है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो हमारा ये होता है कि हमें चेक करना है अगर इस पॉइंट पर इस स्टेप में अगर हम इस लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर n में इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ तो 5 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा और नीचे भी अगर मैं यहाँ n पर इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ तो वो भी इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अब इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक रूल अप्लाई करेंगे। और इस रूल को हम कहते हैं लोपिटल रूल। लोपिटल रूल में हमने क्या करना होता है कि जिस पर हम ये रूल अप्लाई करें, जैसे इस स्टेप पर रूल अप्लाई करें तो ऊपर नीचे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब जब मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो मेरे पास देखें, हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि वेरिएबल की पावर में कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि कॉन्स्टेंट की पावर में वेरिएबल है। एन यहां पर वेरिएबल है और फाइव जो है कॉन्स्टेंट नंबर है, तो जब भी कॉन्स्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसकी डिफ्रेंसिएशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो चीज है हमारे पास जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसे एज इट इज लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 5 की पावर n को डिफ्रेंशिएट कर रही हूं तो 5 की पावर n लिख लूंगी, साथ मल्टीप्लाई में मैं लिखूंगी लॉग बेस। ठीक है, लॉग बेस यहां पर मेरे पास बेस जो थी ना वो 5 थी तो मैंने लॉग 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे यहां पर लिख लेती हूँ 5 की पावर n की जब डिफ्रेंशिएशन की तो हमारे पास आया 5 की पावर n इनटू लॉग 5 और डिवाइड में देखिए n प्लस 1 की होल स्क्वायर है तो यहां पर आएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर देखें ये जो लॉग 5 है और डिवाइड में ये जो 2 है ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंट है तो इनको हम जो है ना वो अलग से लिख लेते हैं, बाहर लिख देते हैं। और ये जो लिमिट है वो सिर्फ हम वेरिएबल जिन टर्म्स में इन्वॉल्व है उन पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लॉग 5 को मैंने बाहर लिख दिया तो मेरे पास 5 की पावर n बचेगा और यहाँ नीचे मेरे पास बचेगा n प्लस 1। अब देखिए इस पॉइंट पे भी अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करती हूँ तो अगेन मेरे पास ऊपर और नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा क्योंकि ऊपर भी 5 की पावर n है, n से इन्फिनिटी हो जाएगा और नीचे भी यहाँ n से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए मैं इस इन्फिनिटी को जो है ना बचने के लिए इस इन्फिनिटी से क्या करूंगी, जो मैंने स्टेप ऊपर किया अब मेरे पास यहाँ पे भी अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, लोपिटल रूल। अब लोपिटल रूल में वही बात है कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 5 की पावर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा। आंसर है इसका 5 की पावर n इनटू लॉग 5 और डिवाइड में यहाँ पे n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 है उसे तो वैसे भी कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने से 0 होता है तो नीचे 1 बच जाता है। अब यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर ये जो स्टेप है इसे मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया है, ये जो डिवाइड में मेरे पास 1 था तो किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करें भी तो हमारे पास वही आंसर आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करूं, सबसे पहले तो ये जो लॉग 5 है ना ये मेरे पास है कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए इसको अगर मैं बाहर लिखूंगी तो पहले से एक लॉग 5 था मौजूद तो ये 2 हो जाएंगे तो मैं इसकी स्क्वायर लिख दूंगी और डिवाइड में मेरे पास ऑलरेडी 2 है। अब लिमिट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट में है 5 की पावर n।
अब यहाँ पर अगेन जो है ना इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन अब मैं इसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, खाली इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद भी अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो हम मजीद इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब जब यहां पर मैं 5 की पावर n है तो लिमिट अप्लाई करूंगी तो 5 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो चीज है ना 5 की पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर है इन्फिनिटी, क्योंकि 5 की पावर जितनी आप बढ़ाते जाएंगे बड़ा आंसर आता जाएगा, और इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। अब इन्फिनिटी जो है वो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो जाए वो इन्फिनिटी बन जाती है। इन्फिनिटी चूंकि कोई सर्टन नंबर नहीं होता, हमें नहीं पता कि ये इन्फिनिटी, हमें बस ये पता है कि ये एक बहुत बड़ा कोई फिगर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इन्फिनिटी एग्जैक्ट क्या नंबर है, ठीक है। तो ये कोई सर्टन नंबर नहीं है, इसलिए जब भी हमारे पास इन्फिनिटी है तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है 19, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जो टर्म हमें दी हुई है उसे ए एन के इक्वल, और ए एन एज यू नो हमारे पास शो करता है एंथ टर्म को, तो हम इस सीक्वेंस को जो है ना एंथ टर्म के इक्वल लेट कर लेते हैं। देन हम इस स्टेप के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने यहां पर चेक करना है कि हमारे पास जो है ना इसे सॉल्व किस तरह करना है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना ये कुछ अलग तरह से है, ठीक है। यहां पर हमें एक एक्सपेंशन दी हुई है और हमें ये चीज पता है एज वी नो, आप यहां पर लिख लीजिएगा एज वी नो हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है ई की पार एक्स विच इज इक्वल टू 1/(x^1) प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन, ये जो है ना वो चलता रहता है और टिल एक्स की पार एन फिक्टोरियल। अब अगर यहां पर हम देखें ये जो एक्स है इसे अगर यहां पर 1 अप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास यहां पर देखें तो सारे जो न्यूमिनेटर है उसमें 1 अप्लाई है, अगर ये x जो है ना ये 1 हो जाए तो हमारे पास ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस x को हम 1 इक्वल करेंगे तो हमारे पास e की पावर x की जगह 1 अप्लाई करेंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा, e ही रहेगा। अब यहां पर है 1 प्लस 1, x की जगह 1 अप्लाई करूंगी तो 1/(1)(1) ही आ जाएगा, प्लस यहां पर 1 अप्लाई करूंगी तो 1 की स्क्वायर 1 बन जाएगी डिवाइडेड बाय 2, फिर अगली जो है ना वो 1/3 एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। यहां पर मैं x जो है ना x की जगह 1 अप्लाई करूंगी तो 1 की पावर n जो है वो 1 ही रहता है तो 1/(n) आ जाएगा। अब यहां पर देखें ये जो चीज है ना यहां से ये 1 से लेकर सोन लास्ट तक ये बिल्कुल एज इट इज यही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि e इज इक्वल टू 1 प्लस, अब प्लस से आगे ये जितनी भी चीज है ना हमारे पास ये किसके इक्वल है, यहां पर हमने इसे इक्वल कहा है ए एन के, ठीक है। तो हम इस सारी जो एक्सपेंशन है ना इसकी जगह लिख देंगे ए एन। अब हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट ऑफ ए एन फाइंड करनी होती है, तो हम इस ए एन को यहां पर रहने देंगे और ये जो 1 है ना इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये जो 1 है दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा ए एन के। हमने क्या फाइंड करना है, लिमिट ऑफ ए एन, तो हम दोनों तरफ जो है ना लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी ई -1 पर और इस तरफ भी ए एन पर। अब देखिए यहां इस स्टेप में अगर अब मैं लिमिट अप्लाई करती हूं तो यहां पर तो कोई एन ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है, ई -1 है तो लिमिट अप्लाई लिमिट जो है ना वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, वैसे खत्म हो जाएगी और हम इसे इक्वल कर देंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट ऑफ ए एन किसके इक्वल है, ई -1 के,
e माइनस वन चूंकि एक सर्टन नंबर है इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है ना वो क्या है, कन्वर्जेस है. और अगर हम उसकी लिमिट की बात करें तो इट्स लिमिट इज e माइनस वन. क्वेश्चन नंबर है 20. उसमें उन्होंने हमें फर्स्ट टर्म दी है विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 और नेक्स्ट हमें उन्होंने एक टर्म दी है ए एन प्लस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस ए एन और साथ ही कंडीशन दी है कि एन जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब इस क्वेश्चन में जो नोटिसेबल चीज है वो ये है कि हम जो भी हमें एंथ टर्म दी होती थी उसे हम ए एन के इक्वल लेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ही उन्होंने ए एन यूज किया है और साथ साथ ए एन प्लस 1 भी यूज किया है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे, हम इसे लेट कर लेंगे. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ए एन है और एक ए एन प्लस 1 है. तो हमने अक्सर क्वेश्चन में लिमिट ऑफ ए एन फाइंड करनी होती थी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लिमिट ऑफ जो ए एन है वो इक्वल है एल के. ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें. अब हमारे पास सिर्फ ए एन नहीं है बल्कि इसमें ए एन प्लस 1 भी है, तो हम एक और इसके साथ चीज जो है ना वो लेट करेंगे, ए एन प्लस 1 भी जो है ना वो एल के इक्वल है, इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. हम क्या करेंगे कि ये जो हमें गिवन टर्म दी हुई है ना इसे एज इट इज लिख लेते हैं, ए एन प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस ए एन. अब देखिए पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना उसमें हमने क्या करते थे कि जो भी टर्म हमें गिवन होती थी उसे सबसे पहले ए एन के इक्वल लेट करते थे, देन हम उसके दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई करते थे. तो यहां पे भी हम इसकी दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई कर देंगे. दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने के बाद देखिए यहां पर मेरे पास है लिमिट ए एन प्लस 1 और यहां क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि लिमिट ए एन प्लस 1 किसके इक्वल है, एल के इक्वल है. यानी कि मैं इस सारी चीज की जगह एल अप्लाई कर दूंगी, तो यहां पे मैं एल लिख दूंगी और यहां पर मेरे पास है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट 2 प्लस ए एन. ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि मैंने जो है ना मेन हमारा जो टारगेट होता है वो हमने फाइंड करना होता है, हमारे पास ये जो टर्म थी ना वो खत्म हो गई है. देखिए हम जब भी ये क्वेश्चन करते थे तो हमारा टारगेट क्या होता था कि हमने फाइंड करनी है लिमिट ऑफ ए एन. ठीक है, लेकिन हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टर्म दे दी थी ए एन प्लस 1, उसे ओवरकम करने के लिए उसे खत्म करने के लिए मैंने उसे एल के इक्वल लेट किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया. अब देखिए यहां पर मेरे पास जो है ना वो एक्स्ट्रा टर्म खत्म हो गई है और सिर्फ ए एन बच गया. अब मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया ए एन की लिमिट फाइंड करना. अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए एन को अलग से लिखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे ये स्क्वायर रूट खत्म करनी पड़ेगी. स्क्वायर रूट को जब भी मैथ्स में आपने खत्म करना है तो आपने दोनों तरफ उसकी स्क्वायर ले लेनी है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाती है. यहां पर मैं जो है अब देखिए नेक्स्ट में एल की स्क्वायर जो है वो हमारे पास एल स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर देखें ये जो स्क्वायर है ना ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इस स्टेप में बचेगा 2 प्लस ए एन. ठीक है, अब यहां पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हम जब लिमिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, अब लिमिट को जब 2 पर अप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 के पास तो कोई एन नहीं है, और लिमिट को जब ए एन पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन. ठीक है, और ये चीज क्वेश्चन में हमने ऊपर ही लेट की थी कि लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इक्वल है एल के, यानी कि इस सारी चीज की जगह मैं एल अप्लाई कर सकती हूँ, तो यहां पर इसकी जगह मैं एल अप्लाई कर दूंगी. अब यहां पर देखिए मेरे पास बन गया एल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एल, तो मैं इन दोनों चीजों को भी इस तरफ ले आऊं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, ये दोनों यहां पर प्लस हो रही थी, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गई, अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा तो जीरो आ गया. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं. फैक्टराइजेशन करेंगे जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को वेरिएबल के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं. कोफिशियंट में 1 है, कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है. 1 इंटू 2 हमारे पास
टू आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि टू किस टेबल में आता है, टू वन जा टू होता है, और इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि ये जो हमने टू न्यू नंबर्स लिए है ना, इनको या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमारे पास यहाँ पर एल के साथ क्या है, माइनस वन है, एल के साथ कुछ नहीं है तो वन होगा, तो ये माइनस वन आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं टू में से वन को माइनस कर दूं तो मेरे पास वन आ जाएगा, और एल के साथ भी वन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि इस एल वन को ब्रेक करूंगी, किस तरह से मैं यहाँ पर लिखूंगी ये दो नई टर्म्स टू और वन, ठीक है, टू एल एंड एल, ठीक है, वन था तो एल लिख देंगे। अब इसे मैंने जो है ना इस वन एल की जगह पे लिखा है ब्रेक करके। अब ये जो बड़ी वाली टर्म होती है ना उसका साइन हमने ऊपर से लेना होता है, और सेकंड टर्म का जो साइन है ना वो हमने डिसाइड करना होता है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को माइनस कर रहे हैं ना तो यहाँ पर हम सेकंड टर्म का ऑपोजिट साइन लेते हैं, यानी कि यहाँ पर पहला साइन माइनस था तो दूसरा हम ऑपोजिट प्लस ले लेंगे, और साथ में हमारे पास ये माइनस टू है, माइनस टू लिख लेंगे। देखिए अब इन दोनों टर्म्स में, अब ये चार टर्म्स है तो दो दो में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में एल कॉमन है, अंदर बचेगा एल माइनस टू, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम प्लस वन कॉमन ले लेंगे, एल माइनस टू अंदर बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एल और ये प्लस वन, इन दोनों को मिलाकर एक फैक्टर बन जाएगा, और ये एल माइनस वन जो है ये एक सेकेंड फैक्टर है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को जीरो के इक्वल लेट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने अब यहां पर देखिए कि एल प्लस वन है, प्लस वन वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस वन बन जाएगा, और यहां पर माइनस टू है तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस टू हो जाएगा। अब हमारे पास है एल की दो वैल्यूज, जबकि हमारे पास एक ही नंबर होना चाहिए, यानी कि सर्टन नंबर होना चाहिए, हमें इन दोनों में से एक नंबर चूज करना है, तो हम यहां पर पॉजिटिव टर्म को चूज करेंगे। हम इस पॉजिटिव टर्म को इसलिए भी लेंगे क्योंकि हम ये जो माइनस वन है ना इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर ये जो एल है ना वो ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए एल की नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब देखिए यहां पर एल इक्वल टू टू आ गया, हमने फाइंड क्या करना होता है, लिमिट ऑफ ए एल। तो यहां पर मैं लिख लेती हूं मैंने क्या लेट किया था कि जो लिमिट ऑफ ए एन है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरे पास लिमिट ऑफ ए एन एल के इक्वल है, जबकि ये एल जो है ना वो टू के इक्वल है, तो एल की जगह मैं टू अप्लाई कर सकती हूं। तो इस तरह से मेरे पास लिमिट ऑफ ए एन आ जाएगी विच इज टू, टू एक सर्टेन नंबर है तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्जेंस है, और उसकी लिमिट की अगर बात करें तो उसकी जो लिमिट है ना वो हमारे पास है टू।